Assalamu alaikum viewers, this is me Umay Khan, UK from Pak, aapka mera rahe ka saath with another recipe of mine. So let's get started. In the name of Allah, A'udhu billahi minash shaitani rajeem, bismillahir rahmanir rahim. So chalein sabse pehle hum log chalte hain apne ingredients ki taraf. To aaj hamari kitchen mein banne ja rahi hai ek sweet dish. Ek dessert banne ja raha hai jo ki sabko bahut pasand hota hai. Doodh se banta hai, bahut simple, quick aur yet very tasty. सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए, एक कप हमें रंगीन सेवैयाँ कलर सेवैयाँ चाहिए बॉइल्ड, एक कप हमें चीनी चाहिए, एक कप हमें क्रीम चाहिए यानी कि एक पैकेट क्रीम. आप किसी भी कंपनी की क्रीम यूज़ कर सकते हैं, नो इशू. हाफ कप हमें खुश्क दूध चाहिए, ये भी आपको जो पसंद हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं. मैंने दो छोटे पैकेट लिए थे और उनको ऐसे निकाल लिया है. तो ये एक आधा कप हम लोग का खुश दूध हमें चाहिए. एक लीटर हमें दूध चाहिए और 3 to 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर हमें चाहिए जो कि हम लोग एंड में इसको यूज़ करते हैं थिकन करने के लिए. और अब चलते हैं हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ. और कलर्स मैं को बॉईल करते वक्त हमने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया, जैसे कि हम लोग स्पैगेटीज मैक्रोनीज वगैरह को बॉईल करने में सॉल्ट ऐड करते हैं. और चीनी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं. और अब चलते हैं हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ. तो बताते हूँ आपको कि कैसे हम लोग की ये ज़बरदस्ती रेसिपी बनेगी जिसका नाम है दूध दुलारी. सो गाइस, यहाँ पर मैंने जिस तेजके में जिस पतीले में मैंने अपने कलर सेवैयों को बॉयल किया था उसी में मैंने 1 लीटर दूध ऐड किया है. और अब मैं इसके बॉयल आने का वेट कर रही हूँ. तो जैसे ही इसमें बॉयल आता है तो मैं आपसे मिलती हूँ. आज यू कैन सी गाइस कि अब दूध में बॉयल आ चुका है. तो इस स्टेज पे हम लोगों ने इसमें जो कलर सेवैयाँ बॉयल करके रखी थी एक कप हमें वो ऐड करनी है. और विस्क की मदद से हमने इनको मिक्स करना है ताकि ये इजीली मिक्स इन हो सके. ये देख सकते हैं आप, इनको बहुत ज़्यादा ओवर बॉइल मत कीजिएगा. सी कैसे ये दूध में जाते ही अलग अलग हो गई हैं. तो आप लोग भी बहुत ओवर कुक मत कीजिएगा, अदरवाइज वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे. अब हमने साथ ही इसमें एक कप चीनी ऐड करनी है. हम लोग रेगुलर शुगर ऐड कर रहे हैं और चीनी आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं. अब हमने इसको इतनी देर तक मिक्स करना है और कुक करना है जब तक कि इसके अंदर चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए. तो मैं आपसे मिलती हूँ चीनी को मेल्ट करने के बाद. अब हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है. अब हम इस स्टेज पे इसमें हाफ कप खुश दूध ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे. जब खुश दूध अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो तब हम लोग इसमें क्रीम ऐड करेंगे. तो मैं आपसे मिलती हूँ इसमें खुश्क दूध को अच्छे से मिक्स करने के बाद. खुश्क दूध अच्छे से हल हो चुका है. अब हम इसमें एक पैकेट या एक कप मिल्क क्रीम ऐड करेंगे और अच्छे से उसको मिक्स करेंगे. आप लोग चाहें तो पहले क्रीम को फोक की मदद से या बीटर की मदद से या हैंड विस्क की मदद से अच्छे से अलग ही मिक्स कर सकते हैं और फिर ऐड कर सकते हैं. बट चूँकि मैं बनाती रहती हूँ, मुझे प्रैक्टिस है, तो मैं डायरेक्टली ऐड करके फिर मिक्स करती हूँ. और ये रेसिपी भी मेरी प्रीवियस रेसिपीज की तरह क्विक और टेस्टी है. इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं इसे बना रही हूँ.
सिंपली अब आपने अच्छी तरह से जो है क्रीम को मिक्स करना है। मैं क्रीम को अच्छे से मिक्स करके फिर आपको मिलती हूँ। As you can see guys कि हम लोगों के जो तमाम अज्जा हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अच्छी तरह से दूध के अंदर डिसॉल्व हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, हल हो गए हैं। तो अब लास्ट हम लोगों ने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, इसको थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए। आप लोग कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, जिसको मैंने अलग से पानी के साथ घोल लिया है। और अब हमने इसको मिक्स करना है और साथ ही फौरन हमने अपने स्पून को मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। अब हमने इसको 5 से 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे हल्का सा कुक करना है, और फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल दिखाती हूँ। सो सी यू। सो गाइस, अब 5 मिनट्स के बाद आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आया है, पिंक पिंक सा। और अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ करके इसको रखती हूँ कुछ देर ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये कूल डाउन होता है तो मैं, और रूम टेम्परेचर पे आता है, तो फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। As you can see guys, this is the final look of दुलारी। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े की बनी है। डू ट्राई इट एट योर होम, और होपफुली जस्ट लाइक माई प्रीवियस वीडियोज आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसको आप लोग ऐसे कलरफुल रसभरियाँ, बंटी, अपनी पसंद की जेलीज, स्प्रिंकलर्स, जैसे भी आप चाहें तो इसको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, डेकोर कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। दिस इज़ उमेश खान साइनिंग ऑफ, यूके फ्रॉम पाक, आपका मेरा रहेगा साथ। अल्लाह हाफिज़।